हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अमृतसरी पनीर भुजी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे 2 चम्मच के करीब बेसन ले लिया है और बेसन को हम भून लेंगे अच्छे से। हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि यह बिल्कुल भी कढ़ाई में लगे ना, और हमें इसे तब तक भूनना है तब तक कि इसका कच्चापन निकल ना जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग कस्तूरी मेथी डालकर इसे अच्छे से फिर से भून लेंगे। बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसे 1 कटोरी में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। दही लेंगे, दही को मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अब जो हमने बेसन भून कर रखा था उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ ही रहने देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, पाव भाजी मसाला, आप चाहें कोई चाहें तो कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाट मसाला, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस हमारी अभी भी बंद ही है। सारे सूखे मसाले अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और मसाले में बॉयल आने देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो दही है वह बिल्कुल भी फटेगा नहीं। आप देख सकते हैं मसाले में बॉयल आना शुरू हो गया है।
हम इसे भी एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को गरम हो कर लिया था और इसमें 2 प्याज डाली है। मैंने प्याज को लंबा लंबा काटा है इस तरीके से, पतला पतला। तेज पत्ता मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाला है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। दो हरी मिर्च डालेंगे, मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है। जो हमारी पनीर भुजी है उसमें लंबे लंबे प्याज ही डालें, बहुत टेस्टी लगते हैं। अदरक लहसुन मैंने कद्दूकस करके लिया है, उसे भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए इतनी ही पकानी है। अब हम 2 टमाटर लेंगे, इसे भी मैंने लंबे लंबे काट कर रखे हैं, इन्हें भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे तो हम इन्हें ढककर पका लेंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। टमाटर हमारे पक चुके हैं। अब जो हमने दही अपना मसालों के साथ तैयार किया था उसे हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को मैंने हाथ से मसल लिया था तो अब हम पनीर डाल देंगे। पनीर के साथ भी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे दूध लेंगे, मैंने आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है। दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध से इसमें अच्छा क्रीमीपन आता है और जो हमारी अमृतसरी पनीर भुजी है उसमें बेसन और कस्तूरी मेथी डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अमृतसरी पनीर भुजी की जान होती है ये, इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ गया है। अब हम ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ पे कच्चे टमाटर डालेंगे, कच्ची प्याज डालेंगे
जब तक इसमें कच्चे टमाटर प्याज ना डलें तब तक तो अमृतसरी पनीर भुजी का मज़ा ही नहीं है। ऊपर से ग्रेटेड पनीर डालेंगे, मिक्स करेंगे इन्हें। हरा धनिया डालेंगे, धनिया डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी अमृतसरी पनीर भुजी बनकर तैयार है। अब मैं आपको सर्व करूंगी। आप इस तरीके से घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव प्रियास किचन पर शेयर करें। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।